इस्लामिक कैलेंडर का आठवां माह शाबान है और इस माह के 15वीं शब यानी 15 शाबान की रात को शबे बारात मनाई जाती है। इस साल एतवार 25 फरवरी 2024 को शबे बारात मनाई जाएगी। इस अवसर पर मुंबई पुलिस ने हर साल की तरह इस साल भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। शबे बारात मगरिब से लेकर फर्ज तक मनाई जाती है। मुस्लिम भाई घर मस्जिद तथा अलग अलग कब्रस्तान में जाकर तिलावत आदि करते हैं। मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तथा सभी जोनल पुलिस उपायुक्तों की बैठक आयोजित कर शबे बारात बड़ी रात किसी भी बाधा के बिना मनाने हेतु आवश्यक सभी सावधानी लेने के बारे में तथा उपाय योजना करने के आदेश दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबे बारात यानी नजात व मगफिरत की रात, इस मुकद्दस रात में, इस मुकद्दस शब में आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मसाजिद में गुजारें, नवाफिल अदा करें, अल्लाह के कलाम की कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, दुरूद पाक का विर्द करें, कब्रस्तान जाएं, अपने मरहूमिन की मगफिरत की दुआएं करें। कोई ऐसा काम आप ना करें जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। मुंबई पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था बरकरार रखने हेतु शबे बारात के लिए 5 एडिशनल सीपी, 13 डीसीपी, 1200 से अधिक पुलिस अधिकारी, 5500 से अधिक पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड, एसआरपीएफ और अन्य पुलिस इंतजाम किए गए हैं। साथ में मुंबई यातायात पुलिस की तरफ से यातायात विनियमित करने हेतु अधिसूचना भी जारी की गई है। साथ में मुंबई पुलिस सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से उचित कार्रवाई करने हेतु सोशल मीडिया पर चल रहे सभी पोस्ट, संदेश तथा अफवाहों पर अपनी नजर रखे हुए है। इस माध्यम से सभी युवा मुस्लिम युवकों से आह्वान है कि आप सभी यातायात के नियमों का पालन करें। जब सड़कों पर निकलें आप तो डिसिप्लिन के साथ निकलें, ट्रिपल सीट मोटरसाइकिल वगैरह पर ना चलें, निकलें तो हेलमेट लगा के निकलें और पूरी शब अल्लाह की इबादत में गुजारें। कोई ऐसा काम हरगिज ना करें जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। गैर इस्लामी, गैर इखलाकी कामों से अपने आप को बाज रखें, बचाएं। इस मुकद्दस शब का ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठाएं। टू व्हीलर पर 2 से अधिक सवारी करना, जोर जोर से हॉर्न बजाकर शोर मचाना, रैश ड्राइविंग करते हुए खुद की तथा दूसरे की जान खतरे में डालना आदि सभी बर्ताव पर तुरंत सीसीटीवी के माध्यम से तथा उपस्थित पुलिस अधिकारी और अमलदार कर्मचारी के माध्यम से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी मुंबई पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दिए गए हैं।